Welcome to Yogic and Modern Science. Today we will explore into a very interesting topic which is very popular among the spiritual people, which is celibacy or brahmacharya. Okay, in Hindi it is called brahmacharya and its English version is celibacy. Now we will try to understand what is celibacy, because there are so many misconceptions and the correct definition also of the celibacy throughout the scriptures. Now from the yogic point of view, we will try to understand what is celibacy and how can celibacy help us in understanding or help us in the different types of creativity, or in other words, how can we use the energy of brahmacharya or celibacy in order to perform various other kind of works. Sharma ji, celibacy or brahmacharya yogic science ke point of view se kya hota hai, kyunki brahmacharya ke bare mein bahut sare dharanaye prachalit hain, galat dharanaye bhi hain, sahi dharanaye bhi hain. To bahut se log kehte hain ki jo brahmacharya hai wo sex ki urja ko इकट्ठा करना है या उसकी ऊर्जा को बहने नहीं देना है, उसको किस तरह का रोकना है. तो ये जो रोकना है इस ऊर्जा को, यही सेलिबेसी है, यही ब्रह्मचर्य है. या और दूसरा प्रश्न एक और होता है कि ये ऊर्जा क्या रुक सकती है किसी से, और रुक सकती है तो किस हद तक रुक सकती है, और उसको हम किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं साधना में या अदर तरीके के कामों में. तो ब्रह्मचर्य के बारे में बताइए क्या है ये. एक्चुअली ब्रह्मचर्य जो योगिक विज्ञान के आधार पर अगर ब्रह्मचर्य को हम देखें तो ब्रह्मचर्य एक पॉजिटिव सकारात्मक एक ऊर्जा है. जो ब्रह्मचर्य के लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपने एक बच्चों के लिए जो पैदा करते हैं तो उसी के लिए ये ऊर्जा को जहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा, यही एक ब्रह्मचर्य है. ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि आपके शरीर में जितनी भी ऊर्जाएं हैं, बहुत सारी ऐसी ऊर्जाएं हैं कि अगर हम बोलते हैं तो हमारी ऊर्जा नष्ट होती है, हाँ जब हम देखते हैं तो हमारी ऊर्जा नष्ट होती है, जब हम सुनते हैं तो हमारी ऊर्जा नष्ट होती है, जब हम कोई हाथ पैर हिलाते हैं तब भी हमारी ऊर्जा नष्ट होती है. ऐसी हालत में हम अगर ब्रह्मचर्य का अर्थ के आधार पर हम चलें और ब्रह्मचर्य को हम देखें तो हमें अपने बच्चों से लेकर के आपसी पति पत्नी से मिलन से लेकर के इन सभी चीज़ों पे हमें ब्रह्मचर्य का जो है एक फार्मूला लगाना पड़ेगा कि ये ब्रह्मचर्य का फार्मूला है. इसमें हम अपनी जो पॉजिटिव ऊर्जा है उसको कैसे हर जगह पर इसको केंद्रित करके और यहाँ इसे रोके रखें, और इसका सही वक्त पे सही चीज़ के पर फैसला ले करके हम इसे इसका या इस्तेमाल करें. ये चीज़ बहुत ये आसान प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि ये बहुत जटिल और बहुत कठिन प्रक्रिया है कि ब्रह्मचर्य का होना. तो ब्रह्मचर्य का होना केवल पति पत्नी के संबंध से ही नहीं किया जा सकता है, कि इसमें ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति शादीशुदा है तो वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन शादीशुदा होने के बाद बहुत है कि पहले तो शादी के सिस्टम को समझ लेने से तब ये ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है. मगर ऊर्जा जो इकट्ठी करते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करके शादी के लिए तो आसानी से काम ये कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक संसार का जो इस प्रकृति का एक मेथड है, वो मेथड आपको समझना होगा कि हमें अपनी पत्नी के साथ कब और कितने दिनों किस समय पे उनकी समय है, स्थिति है, दिन और समय है उसके, उसी टाइम पे वो स्थिति में जाने से बहुत आसानी से जिस चीज़ की इच्छा होती है वो हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. मगर हम एक सुख पाने के लिए, चंद क्षण क्षणिक सुख पाने के लिए उसका हम लगातार इस्तेमाल करते हैं,
तो हम इसको ब्रह्मचर्य नहीं कहेंगे, इसको तो हम दूसरी भाषा में कुछ भी कह लो, ब्रह्मचर्य उसको कहेंगे कि आप दिन और टाइम को लेकर के आप जागरूक हैं और ये बात आपने सीख ली है तो उस वक्त ही जाएं, कि ये शेर जो है वो बार बार इस शेरनी के साथ इस टाइप का कोई काम नहीं उसके साथ करता और वो अपने टाइम और समय दिन उसको पता रहता है तो वो एक ही बार जाता है। तो ये इससे ब्रह्मचर्य से आप ऊर्जा को अपनी एकत्रित कर सकते हो, किसी साधना काल या दूसरे में लगा सकते हो। ये ऊर्जा ब्रह्मचर्य की इकट्ठी करने के लिए आपको एक कठिनाई तो हो सकती है, इसलिए क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा जो है वो बहुत गति से चलती है, तो वो जल्दी इकट्ठी करना, जल्दी उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल पड़ता है और नहीं बहुत मुश्किल पड़ता है। मगर नेगेटिव ऊर्जा को जो स्लो चलती है, जो एक स्थिति अपने सिद्धांत के बैक साइड से चल रही है और वो स्लो चलती है, उसको पकड़ना और इकट्ठा करना आसान होता है। कि एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए बहुत कठिनाई है, मगर अगर किसी को बुरे व्यक्ति बनने के लिए कह दिया जाए तो बहुत जल्दी बना जा सकता है, ये आसान। एक प्रश्न था, जैसे कि आपने बताया कि ब्रह्मचर्य की ऊर्जा को इकट्ठी की जा सकती है यदि हम पत्नी से संबंध बनाने में सावधानी बरतें दिन और समय का, ठीक है ना, तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है कि उस ऊर्जा को हम इकट्ठी रख सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे साधु संत और बहुत से लोग जो योगी हैं, बहुत से लोग ये कुछ प्रक्रियाएं बताते हैं, जैसे वो बताते हैं मूल बंध, अश्व क्रिया, है ना, दो तीन क्रियाएं, साधना की जो होती हैं वो क्रियाएं होती हैं, ठीक है ना, 5-5 मिनट क्रियाएं होते हैं, 10-10 मिनट क्रियाएं होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि आप ये डेली बेसिस पे यदि 5 मिनट, ठीक है, अश्व क्रिया करें और 2 मिनट मूल बंध करें, 1 मिनट मूल बंध करें, ठीक है, और डेली, ठीक है, तो इस ऊर्जा को ऊपर की तरफ धकेला जा सकता है, है ना, उसको ऊर्ध्व गति दी जा सकती है उस ऊर्जा को, ब्रह्मचर्य ऊर्जा को, ठीक है। तो इसके विषय में योगिक साइंस क्या कहता है? योगिक साइंस इसकी वजह ये कहती है कि जिसकी हम जीवात्मा की हम बात करते हैं, तो शरीर में इसकी जीवात्मा की स्थिति कहाँ पे तय की है आध्यात्मिक साइंस ने, आध्यात्मिक विज्ञान ने। तो ये जो यौगिक विज्ञान हमारा ये कह रहा है कि जो जहाँ पर हमारे वीर की थैली है वहाँ पर हमारी पूरी की पूरी टोटल ऊर्जा है, वहाँ पर जीवात्मा का वास है। और ये जो जीवात्मा का वास मूलाधार में है, ये मूलाधार की प्रक्रिया से इसको आसानी से ऊपर की ओर इसलिए ढकेला जा सकता है क्योंकि ऊपर की ओर ये जब जाती है तो वहाँ पर आध्यात्मिक, मेरा पहले की स्थिति में आप आ जाओ कि मैंने ये कहा था कि परमात्मा हमेशा इतना हल्का है कि वो ऊपर जा कर के रुकता है उस अपने आधार के। तो इसका मतलब है कि हम और सबसे गतिमान है और सबसे शब्द भी वही करता है, गतिमान भी है, प्रकाश भी उसी भी है। तो हम एक ऐसी जगह पे हम अपनी जीवात्मा की उस ऊर्जा को ले जाने के प्रयास में हैं इस वक्त, जैसे शरीर में, तो हम अपनी ऊर्जा को ऊपर ले जाते हैं जहाँ पर परमात्मा की गति है। और परमात्मा की गति है, इसका मतलब है कि जो अंडे के एक आधार में, अंडे में जो जीव प्लस का है वो छोटा है और जो परमात्मा का प्लस है वो ऊपर बना हुआ है। तो ऐसी जगह में जाकर के दोनों का स्वरूप तो एक ही है, मगर स्वरूप में छोटे और बड़े का अंतर आ रहा है, अंदर अंडे के अंदर और अंडे के बाहर का स्थिति जो आ रही है, ये दोनों में अंतर है। तो हम बहुत आसानी से अपनी ऊर्जा को उसके साथ मैच करके हम बाहर वाली ऊर्जा में आ सकते हैं, क्योंकि वही ये कारण है कि उसका अनुभव कर सकते हैं। अनुभव किया तो इसका मतलब उसी स्थिति में, अनुभव से ही ये उसी स्थिति में जाया जा सकता है। बाकी ये कोई कहे कि वहाँ का प्लस निकल करके वहाँ स्थापित हो गया, ये नहीं है। अनुभव जो है, आपको अनुभव हो गया कि किस स्थिति में क्या है, किस स्थिति में क्या है, अब आपने सब जान लिया है तो आप जानकार हो गए तो आपको सारी समझ में आ गया, तो सारी प्रक्रियाएं आपको समझ आई। प्रक्रिया तो है, हम बहुत पहले से ये कह रहे हैं कि एक ये मेथड है, फार्मूला है, इस फार्मूला को अंतर आत्मा में देखो और जानो और समझो, तो ये चीज़ फिर ये आसान हो जाएगी। जो दुनिया के
सारा सिस्टम है, ये सिस्टम जो ब्लाइंड हो रहा, अंधकार हो रहा, ये सब फिर समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपने सही चीज को समझ लिया जो चंद है। आपको ये नाना प्रकार का इतना बड़ा संसार समझने में देर नहीं लगेगी, मगर इस ऊर्जा को जो आपने बताया कि इसे ऊपर की ओर ले जाए, ये बिल्कुल सही है, ऊपर की ओर ले जाया जा सकता है, इसके लिए होना चाहिए। तो ये ऊर्जा में फिर वही बात आ गई कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा था कि ऊर्जा चाहे कोई है चाहे बोलने की, अगर आप ऊर्जा में मूलाधार बंद बांधोगे और मूलाधार बांध बंद करके ऐसे ऊर्जा को आप ऊपर मूलाधार से उठाओगे तो आपकी वो साधनाएं पूरी लगेंगी। देखिए पूरी क्षमता आपकी लगेगी, आपके सारे मूलाधार बंद आप करोगे, आप बोलोगे नहीं और सुनोगे नहीं, कुछ नहीं करोगे, इसी ऊर्जा में ही आपको ध्यानस्थ हो जाओगे, तो आपकी सभी ऊर्जाएं, जो मैंने बोला कि सभी ब्रह्मचर्य, कि सभी ब्रह्मचर्य का होना जरूरी है कि बोलने में सब में ऊर्जा तो सब में भी ऊर्जा जा रही है, खत्म हो रही है, खत्म उन सबको समेटने की जरूरत है। यही चीज है, यही चीज मैंने उसमें आपको आज के जो इस छोटे से एपिसोड में ये छोटा सा प्रयास किया समझाने के लिए। अब मैं आगे भी आपको समझाने की अगर कोई बात आएगी तो और भी बताएंगे। ठीक है, सेलिबेसी के संबंध में हम और भी चर्चा करेंगे बाकी एपिसोड्स में। बिल्कुल। ओके, सो अबाउट सेलिबेसी, वन थिंग इज वेरी सर्टेन एंड यू नो, सेलिबेसी कैन बी डिफाइंड एज द प्रिजर्वेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ ब्रह्मचर्य, एनर्जी ऑफ यू कैन से इन इन यू कैन से इन अ नॉर्मल वर्ड्स सेक्सुअल एनर्जी। ओके, सो इफ सेक्सुअल एनर्जी इज प्रिजर्व्ड एंड नॉट ओनली सेक्सुअल एनर्जी बट ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी, ओके, विच वी आर डिसिपेटिंग बाई सीइंग, बाई स्मेलिंग, बाई टचिंग, बाई स्पीकिंग, ओके, सो ऑल दीज एक्टिविटीज डिसिपेटिंग आर एनर्जी and somehow these energies can be preserved in ourselves, then these energies can be channelized to the upper states of being. Okay, so this is what celibacy is, and celibacy can be it can be done using various methods like moolband, ashwakriya and so many other methods. We'll be talking about these methods in later episodes. Right, so this is what celibacy is, to preserve our energy as much as possible, not only sexual energy but all kinds of energies. Thank you.